चलिए, तो ये हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं जब ई टैब को हम ओपन करते हैं, तो वी हैव फोर ऑप्शंस, थ्री ऑप्शंस, वन फॉर डिफॉल्ट सेटिंग, सेकंड इज इंपोर्ट यूनिट्स ऑफ अदर मॉडल एंड थर्ड वी चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, देन ओके। अब ये जो होता है आपका, ये है आपका ग्रिड को डिफाइन करने का है पूरा ही डाटा। ग्रिड को कैसे आपको डिफाइन करना है, मान लीजिए आपको एक सिंपल सपोर्टेड बीम बनाना है या फिर एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो उस हिसाब से आपको इस ग्रिड को डिफाइन करना होगा। तो एक्सक्यूज मी, वो डिस्प्ले पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस वही आ रहा है ये टाइप। आप चेक करो कहाँ पे देख रहे हो आप, इसी में जूम में? हाँ, यस सर, यस सर। ओके, अभी मैं चेक करता हूँ। बस वो रेड कलर का है ना वो आने। हाँ अब आ गया है, हाँ खराब आ गया। ठीक है। तो ये हमारा ई टैप का इंटरफेस है, जिसमें हमने जब न्यू मॉडल किया, यूनिट सेट कर दी, तो ये आ रहा है आपका ग्रिड सिस्टम। ठीक है, अब ग्रिड सिस्टम क्या है, इसमें अभी ये पेन चल नहीं रहा है, पेन की सुविधा जो होती है। तो ग्रिड क्या है, मान लो आपको एक बीम बनाना है 5 मीटर का, तो आपके पास 5 मीटर स्पेसिंग की ग्रिड होनी चाहिए, या फिर एक बहुत बड़ी ग्रिड है उसमें कहीं 5 मीटर की स्पेसिंग आपको दिखाई दे रही है, तो वहां पर भी आप एक बीम बना सकते हो, बाद में ग्रिड को हाइड भी कर सकते हो। तो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये वाला फर्स्ट, इसमें देखिए तीन बॉक्स हैं, एक बॉक्स, दो बॉक्स और ये थर्ड स्ट्रिप। फर्स्ट बॉक्स में हम यूनिफॉर्म ग्रिड को डिफाइन कर सकते हैं और साथ में हम कस्टम ग्रिड की स्पेसिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कस्टम स्पैन है, कस्टम स्पेसिंग है, तो अभी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, और यूनिफॉर्म है तो हम यहाँ से कर ही सकते हैं। यहाँ से हम स्टोरेज डाटा, नंबर ऑफ स्टोरे, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, या फिर हर स्टोरे का हाइट जो है डिफरेंट है, तो एक कस्टम स्टोरे। और नीचे कुछ मॉडल्स पहले से बने हुए हैं, उनको क्लिक करके आप वहां पर से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान रखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इन एक्स इज 4, नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इन वाई 4, स्पेसिंग इज 8 एंड स्पेसिंग इज वाई इन 8, एंड नंबर ऑफ स्टोरी 4 और ईच स्टोरी हाइट 3। इस डाटा को याद रखना आप, क्योंकि मैं ओके करने वाला हूँ, फिर डाटा ये वैल्यू का मतलब क्या है वो मैं यहाँ से देखूंगा। ओके, तो ये देखिए आ चुका है। आप देखिए ग्रिड है, यहाँ पे हमारे पास तीन विंडो हैं। फर्स्ट विंडो है ये 3D व्यू के लिए, ये प्लान के लिए जो टॉप व्यू होता है बिल्डिंग का, और ये आपका मॉडल एक्सप्लोरर। यहाँ से मॉडल के किसी भी सेटिंग में, किसी भी टाइप पार्ट पे जा सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक ग्रिड बन चुकी है, यहाँ पे 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, 8 मीटर, 8 मीटर इन वाई डायरेक्शन, और नंबर ऑफ लाइंस थी 4। नंबर ऑफ स्पैन और नंबर ऑफ लाइंस में फर्क है ना, कितने स्पैन है एक्स डायरेक्शन में, 1, 2, 3, पर नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो जितने आपको स्पैन बनाने हैं उससे एक ज्यादा डालना है नंबर ऑफ लाइन में। ठीक है, इसी तरह वाई में, और स्टोरे आपका देखिए 1, 2, 3, 4 स्टोरे, ईच 3 मीटर ईच स्टोरे। ठीक है, तो ये ग्रिड है, आप इस ग्रिड को यूज करके आपको कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो इसी ग्रिड के ऊपर हमें ड्रॉ करने के लिए हमें एक पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे हमें बीम बनाना है 8 मीटर का, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा, तो हमारे को 8 मीटर का एक बीम हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ और क्लियरली समझाने के लिए, एक सिंपल सपोर्टेड बीम, चलो सिंपल सपोर्टेड तो वीडियो में हो चुका था, एक कैंटिलीवर बीम, एक कैंटिलीवर बीम को हम एनालाइज करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करते हैं देखो, एक मिनट में कैमटेसिया और चला लेता हूँ, जिससे पेन की सुविधा मिल सके मुझे। ठीक है, ओके। तो एक हमें बीम बनाना है कैंटिलीवर, जिसके एक एंड पे है फिक्स सपोर्ट और दूसरे एंड पे है एक पॉइंट लोड लग रहा है, और बीम की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो मैं न्यू मॉडल में जाऊंगा, न्यू मॉडल, इंडियन सेटिंग, ओके। वी हैव टू क्रिएट अ कैंटिलीवर बीम ऑफ 5 मीटर।
5 meter means we have require a 5 meter spacing in grid system. So in this grid setting, you can see here in y x direction spacing is 8 meter. We can change this 8 meter to 5 meter because we require 5 meter spacing in grid. Then we draw a beam. तो मैं यहाँ पे 5 मीटर डाल देता हूँ बस, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इससे 3 स्टोरी की ग्रिड डिफाइन हो जाएगी, बट मुझे तो एक 5 मीटर की स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ 5 मीटर डाल के ओके, ठीक है। अच्छा, जो भी लोग इसको देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। और फर्स्ट ये लाइव क्लास है, मैंने फर्स्ट टाइम की है, कुछ सेटिंग में कुछ चीज़ों में गड़बड़ है, कई सारे सॉफ्टवेयर चलाने होते हैं, तो मैं अगली बार उसको ध्यान रखूंगा उस चीज़ का। तो स्टार्ट करते, देखो आप यहाँ पे 5 मीटर की स्पेसिंग हमें मिल चुकी है। अब 5 मीटर की स्पेसिंग हमें यहाँ मिल चुकी है, तो हमें इसके ऊपर बीम बनाने हैं 5 मीटर का ही। तो फर्स्ट स्टेप, डिफाइन ग्रिड एज पर रिक्वायर योर डायमेंशंस इन स्ट्रक्चर, वो हो चुका है। सेकंड स्टेप, डिफाइन मटेरियल। तो गो टू डी डिफाइन, डिफाइन यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन देख रहे हो, अगर आप फॉलो करोगे फुल सीरीज को तो इसमें एक एक ऑप्शन डिस्कस होगा, जो कहीं भी नहीं होता, एक एक ऑप्शन डिस्कस होगा। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाते हैं फर्स्ट, और यहाँ पे पहले से कुछ मटेरियल है, ऑलरेडी वी हैव सम मटेरियल इन इट हैव, सो वी क्रिएट अ न्यू मटेरियल एंड वी सिलेक्ट। 1 मिनट वेट प्लीज, स्टार्ट कैमटेसिया फॉर पेन हैंड राइटिंग। ओके, सो वी सिलेक्ट इंडियन कंक्रीट एंड M25 मटेरियल, इंडिया कंक्रीट M25, ठीक है। इसको ओके करते ही इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, एडवांस प्रॉपर्टीज। ओके, ये दिस इज M25 कंक्रीट विंडो। इफ यू वांट टू चेंज एनी प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी, यूनिट वेट, इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, थर्मल कोफिशिएंट, शियर मॉडुलस एंड नॉन लीनियर डैम्पिंग रेशियो, कोई भी एनी प्रॉपर्टी इफ यू वांट टू चेंज, यू कैन चेंज फ्रॉम हेयर। ओके, बट इन दिस ट्यूटोरियल वी डोंट चेंज, बिकॉज वी चेंज इन व्हेन वी डिस्कस द एडवांस प्रॉब्लम, सो वी डू नथिंग इन दिस विंडो एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। After OK, you can see in this table my M25 is showing. Now click OK. Now go to again define. First step is grid define. 5 meter spacing grid is already done. Second step is define material is done. Third step, define cross section of the beam. Length we know the span of the beam is 5 meter, but cross section area we consider now assume 300 width and 400 depth. Okay. Go to define and section properties and frame sections. Here also there are many properties already. Go to the add new property pe click karna hai and select rectangular, and you can see here many types of cross section. So click on rectangular. And give the title beam. Give the title beam and select material from here M25, and we choose depth is 400 mm and width is 300 mm and click OK. Now you can see here in the list of frame section beam is appear. Click OK. Now we already create a grid. The second step is material, third step is frame. Now the fourth step is draw, how to draw. So you can see here, we have two options for beam. We have more than two, but for basic you know about both, but only these two options. We have two options to create a beam. The first option is you have to click joint to joint, click here and click here. And second option, only you click according to your grid. You click here and it create a beam according to your grid. Okay, so we choose first, then you have to choose
योर क्रिएट बीम. ओके नाउ यू हैव टू क्लिक दिस जॉइंट टू दिस जॉइंट. नाउ प्रेस एस्केप बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड नॉर्मल माउस और यू कैन सी हेयर फ्रॉम नॉर्मल माउस. ओके ओके नाउ व्हाट वी डू वी हैव टू क्रिएट अ सिंपल सपोर्टेड सॉरी कैंटिलीवर बीम. सो व्हाट वी डू वी हैव टू क्रिएट अ सपोर्ट फिक्स सपोर्ट एट वन एंड एंड अदर एंड वी हैव फ्री विथ अ पॉइंट लोड. सो गो टू असाइन and go to joint and restrain. Restrain we have four type of support. First is fix. In fix support आप देख सकते हो जैसे मैंने fix पर click किया आप जानते हो कि space structure में किसी joint पर six reaction develop होती है. Six आपके पास क्या होते हैं degree of freedom यानी वो छह direction में move हो सकता है. तो अगर fix आप click करते हो तो छह की छह restrain हो जाएंगी वो किसी भी direction में move नहीं करेगा. अगर आप मैं click करता हूँ pin पर तो रोटेशन यानी मूवमेंट जीरो हो जाएगी. अगर मैं रोलर पे करता हूँ तो केवल एक डायरेक्शन में वो मूव करेगा और अगर मैं सॉरी एक डायरेक्शन में रिस्ट्रेन करेगा और मैं हिंज पे करता हूँ तो फ्री हो जाएगा. तो मुझे फिक्स सपोर्ट चाहिए. ओके फिक्स सपोर्ट जनरेट हो गई. आप अगर जूम इन आउट करके 3D में देखेंगे तो फिक्स सपोर्ट का आइकन ऐसा होता है. सम टाइम योर लोड इज नॉट अपीयर योर सपोर्ट इज नॉट शोइंग इन द ग्राफिकल तो यू हैव टू जूम आउट जूम इन फॉर शोइंग. ओके द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू क्रिएट अ पॉइंट लोड हेयर 50 kN पॉइंट लोड हेयर. सो वी सिलेक्ट जॉइंट एंड बिकॉज दिस इज द जॉइंट वी सिलेक्ट जॉइंट लोड एंड द फोर्स एंड विथ वट डायरेक्शन जेड डायरेक्शन एंड 50 - 54 डाउनवर्ड. ओके and click OK. You can see here 50 kN load is applied. Now we have to analyze this. Click this icon and click here and save file and OK and analysis. Hello, Vina. This takes some time, depend upon your PC configuration. When deformation shape is appear, it means analysis is done. Okay, my analysis is done. You can animate this deformation shape. This is animation of deformation shape. Stop and check the deflection at the free end. Go to the deformation shape or you can select shear force bending moment diagram and right click on the beam and you can check always check result right clicking on the beam and this windows is correct accurate answers like this is the loading diagram this is our shear force diagram bending moment diagram and this is deflection diagram. If you want absolute you can change absolute and the maximum deflection is 50.217. okay if you have ETAB you can try this small problem from structure analysis book and check the result by ETAB and your manually because sometime kya hota hai ki hum click karte rehte hain aur hum samajhte hain software hame aa gaya. Jab tak aap result verify nahi karoge jab tak aapko software nahi aayega aapko pehle ek manually problem leni hogi fir uske result aapko ETAB se verify karne honge tab aapko pata chalega ki sahi hai ki kuch bhi karoge to analyze to ye kar hi dega result to de hi dega but result is correct or not how you can check by verify problem by ETAB and manually. Okay so this is the small problem and this is first time I am live and some technical difficulties. So if you like this video please subscribe share. Next time we increase the length of the live class as well as some advance in ETAB and after first of all we send you a video. You watch this video and ask doubt of your ETAB from that video, not advanced doubt because we start from basic to advanced, not directly advanced. In this series, we learn RCC analysis of beam, column and multi-story building, seismic analysis, wind load analysis, time history, pushover analysis, steel structure design and many more things we learn in this tutorial and the last we
doing a project, live project, and a research paper on this ETAP. If you like this video, please subscribe and share. And you, if you want to support my work, please donate some payment, because my YouTube channel is not monetizing. This is free, no earning from this YouTube channel. So thank you very much. Any doubt, any inquiry? सर आज की क्लास एंड? हाँ बस इतनी होगी आज, ये फर्स्ट ट्रायल था लाइव क्लास को, मैंने भी सीखा है ना, ये लाइव क्लास में टेक्निकल कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सब करने के बाद अगली बार से लंबी क्लासें चलेंगी. ठीक है यस सर. ओके, और कोई डाउट? हाँ यूट्यूब पे अवेलेबल है. हाँ यूट्यूब पे भी ये रिकॉर्ड हो गया है जो अभी बताया है ना, ये रिकॉर्ड हो गया है यूट्यूब पर, इंजीनियर्स फॉर सिविल यूट्यूब चैनल पर. ठीक है सर. सर वो पीसी में डाउनलोड करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है. क्या डाउनलोड नहीं हो पाया जो मैंने लिंक भेजा था? यस सर. अच्छा, वो तो इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए थोड़ी सी, तब होगा. हाँ हाँ हाँ, उसको कर लो डाउनलोड, इंस्टॉल के लिए मैं पूछ लेना. ठीक है. हाँ यस सर. ओके थैंक यू सर. ओके. सर आप कहाँ से?